Hello and welcome to this video. In this video, I am going to talk about Supertrend. Supertrend होता क्या है, उसकी calculation कैसे होता है और उसकी strategy क्यों पे apply कैसे करते हैं। But उसके पहले आपको एक simple चीज करना है, आपको बस वो red button दबाना है, subscribe करना है और notification on करना है। सुपर ट्रेंड होता गया तो सुपर ट्रेंड एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, जस्ट लाइक मूविंग एवरेज, जो प्राइस और करंट ट्रेंड के बेसिस पे प्लॉट होता है। सुपर ट्रेंड एक काफी सिंपल इंडिकेटर है जो दो पैरामीटर्स पे बेस होता है, एक पीरियड और एक मल्टीप्लायर। प्रोस एंड कॉन्स ऑफ सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर एक काफी सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड इंडिकेटर है, और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको हेल्प कर सकता है फास्ट डिसीजन लेने में, क्योंकि वो प्रिसाइज टाइम में एक्यूरेट सिग्नल्स देता है। बट ये इंडिकेटर बेस्ट रिजल्ट्स देता है जब मार्केट ट्रेंडिंग हो। तो चलो आप आते हैं कैलकुलेशन के पार्ट पे और क्यू पे चार्टिंग टूल ओपन करते हैं। तो ये है क्यू का डैशबोर्ड, जहाँ पे आपको टोटल अर्निंग्स, फंड्स, ओवरऑल डेटा और रिसेंट स्ट्रेटेजीज मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अलग अलग ऑप्शन, तो ये थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करना है चार्ट ओपन करने के लिए, जहाँ पे आप कोई भी स्टॉक इंडिकेटर ऐड कर सकते हो और एनालिस कर सकते हो। तो पहले सिलेक्ट करते हैं डे टाइम, जो है 10 मिनट्स, क्योंकि इंट्राडे स्ट्रेटेजी है। इंडिकेटर सुपर ट्रेंड, तो फॉर्मूला कैलकुलेशन से पहले ये ग्रीन लाइन है अपलाइन और ये रेड लाइन है डाउन लाइन। तो सुपर ट्रेंड के कैलकुलेशन में एटीआर का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तो पहले कैलकुलेट करते हैं एटीआर, which is average true range. तो prior ATR into 13 plus current true range divide by 14, जिसमें 14 है period. तो जैसे ही ATR मिल जाए, हम calculate कर सकते हैं up और down line का calculation. तो up is equal to high plus low divide by 2 plus multiplier जो है 3 into ATR. तो और जो down line है वो है high plus low divide by 2 माइनस मल्टीप्लाई जो है 3 इनटू एटीआर। तो बाय और सेल सिग्नल काफी सिंपल है, जब क्लोज लाइन के ऊपर रहेगा और लाइन जब ग्रीन रहेगा तो बाय, और जब क्लोज लाइन के नीचे और लाइन रेड कलर का है तो सेल। तो अब ये कंडीशंस की एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्लस बटन, तो आपको प्लस दबाना है। तो ये ओपन हो गया क्यू का स्ट्रेटेजी पेज, जहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी को पहले नामकरण करते हैं। मैं रखता हूँ नाम सुपर ट्रेंड। पोजीशन लॉन्ग, इंटरवल 10 मिनट्स, चार्ट टाइप कैंडलस्टिक। बाय कब करना है, जब क्लोजिंग सुपर ट्रेंड लाइन से ऊपर हो, सुपर ट्रेंड लाइन क्रॉस इज बिलो क्लोज, पीरियड लगता है 14। सेल कब करना है, जब क्लोजिंग सुपर ट्रेंड लाइन से नीचे हो, तो क्रॉस इज अबव क्लोज, पीरियड 14। स्टॉप लॉस 1%, टेक प्रॉफिट 2%। तो ये है सेकेंड पेज, जहां पे आपको स्टॉक्स क्वांटिटी और प्रोडक्ट टाइप सिलेक्ट करना है और डे ट्रेंड सिलेक्ट करना है, कहां से कहां तक का बैक टेस्ट डेटा चाहिए। तो स्टॉक सिलेक्ट करते हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, रिलायंस। क्वांटिटी 100, प्रोडक्ट टाइप इंट्राडे। अब डे ट्रेंड सिलेक्ट करते हैं, पहले 1 अगस्त से 1 अक्टूबर तक का, क्योंकि तभी मार्केट बुल रन में था और ये इंडिकेटर काफी ट्रेंड पकड़ता है। तो देखते हैं इस पे रिजल्ट कैसा आता है। सेव और बैक टेस्ट। तो व्यू बैक टेस्ट में मुझे मेरा सारा डेटा मिल जाता है, डेली पीएनएल कितना था, बाय एंड सेल ग्राफ क्या था। बाय एंड सेल ग्राफ में पहले ऐड करते हैं इंडिकेटर, सुपर ट्रेंड।
अब यहाँ पे मैं और इंडिकेटर लगा के देख सकता हूँ कि क्या पे बाय हो सकता है, कहाँ पे सेल हो सकता है, और ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ मेरी स्ट्रेटेजी को जिससे मुझे और प्रॉफिट मिले। नीचे आते हैं ट्रांजेक्शन डेटा पे, जहाँ पे मुझे पता चलता है मेरा स्टॉक बाय कब हुआ था, कौन सी डेट पे हुआ था और कौन सी प्राइस पे हुआ था। दैट वॉज द एंड ऑफ टूडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरे को पता है आपको अच्छा लगेगा ही। तो जिसने जिसने अभी तक नहीं किया हो तो पहले सब्सक्राइब कर दो,